हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। गाइस, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। गाइस, आज मैं व्हाट्सएप में कुछ लेटेस्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक एक करके मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करके देखते हैं तो आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो आपको वो लेटेस्ट ट्रिक के बारे में नहीं पता होगा। तो गाइस, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर चुका है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात करता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप में किसी ने अगर स्टेटस दिया है, आप उसे सीन नहीं करे बगैर किस तरीके से देख पाएंगे, तो वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग किस तरीके से देख पाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को एक सेटिंग करना होगा। वो सेटिंग है, आप लोगों को जो है जियो का बटन जो जियो मोबाइल में है उसके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद नीचे आप लोगों को दिखेगा डेटा यूजेस, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है और यूजिंग मोबाइल डाटा, यहाँ से जो है आप लोग को जो है क्या क्या डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप जो भी देखना चाहते हैं, अगर आप लोग फोटोज़ देखना चाहते हैं तो फोटोज़ में क्लिक कर दीजिए, अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियोस में क्लिक कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना होगा, अभी आप लोगों को जो है फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में चले जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा इंटरनल, तो सिंपली आप लोगों को इंटरनल में चले आना है और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन, तो सिंपली आप लोगों को ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से आप लोगों को सर्च करना है W। तो W सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने जो है ये WhatsApp डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आप लोगों को WhatsApp में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सेंड GIF और स्टेटस, तो सिंपली अगर आप लोग स्टेटस में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्टेटस यहाँ पर शो हो चुका है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग बिना सीन किए ही आप अपने दोस्त का जो है स्टेटस चेक कर पाएंगे और उसे ज़रा भी मतलब ज़रा सा भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो का इस दूसरा ट्रिक ये है, आप लोगों को अगर किसी ने अगर मतलब स्टेटस दिया है, आप उनका स्टेटस किस तरीके से मतलब अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा दोस्त ने जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने जो है एक लिंक दे चुका है यहाँ पर। तो ये जो है आप लोग किस तरीके से जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसे बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है, इसे ओपन करना है और इसे यहाँ पर जो है रिप्ले कर देना है, कुछ भी रिप्ले कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, ठीक है। सेंड करने के बाद ये तो सेंड हो गया, अभी जो है यहाँ पर चले आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला लिंक, तो आप लोगों को जो है ये वाला लिंक पे चले आना है और यहाँ से आप लोग ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है अभी आप लोग अगर आपके स्टेटस में लगाना चाहते हैं ये लिंक, तो आप लोग इस तरीके से लगा पाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग किस तरीके से लगा पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसे अपडेट होने के लिए देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप लोग आप अपने जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ आपका जो भी लिंक है इस तरीके से जो है आप लोग शेयर कर पाएंगे और यहाँ से कॉपी कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ये कॉपी करते हैं, कॉपी करके आप जो है अभी इसे इस तरीके से फॉरवर्ड कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ही फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है आप लोग अपने कोई भी मतलब किसी का भी जो है लिंक को शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। और गाइस, मैं आप सभी लोगों से और एक बात बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप लोगों का जो यहाँ पर सेटिंग में चले जाता है अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लोगों को प्राइवेसी में बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मतलब आपका जो मतलब स्टेटस है उसे आप लोग अपने कुछ दोस्तों से छुपाना चाहते हैं, तो वो आप लोग किस तरीके से छुपा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्राइवेसी, तो प्राइवेसी में अगर जब भी आप लोग क्लिक करेंगे तो स्टेटस यहाँ पर आप लोग देख रहा है, तो स्टेटस में क्लिक कर दीजिए और माई कॉन्टेक्ट्स यहाँ में क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप लोगों को एक दोस्त को दिखाना चाहते हैं फोटोज़ को कुछ भी हो, तो आप लोग उस एक बंदे को दिखा सकते हैं, और जिसको नहीं दिखाना चाहते हैं उसमें यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद सेव कर दीजिए।
सेव करने के बाद दोस्तों आप अभी जो भी फ़ोटोज़ डालेंगे वो बंदा जो है देख नहीं पाएगा जो आपने उसे हाइड करके रखा है, क्लिक करके दबाया है। तो इस तरीके से जो है आप लोग बच सकते हैं जिसे भी आप लोग स्टेटस वगैरह नहीं दिखाना चाहते हैं। तो गाइस ये था तीन ट्रिक, ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।